हाँ सुनो, जैसे समझाया था वैसे ही करना। पक्का दी? कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? सिर्फ अपनी तकलीफें याद रखो, फिर कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। जो कहा है वही करना। मुझे तो लगता है वो डेट पे गई है, या फिर कहीं भाग भाग तो नहीं गई? You mean to say she ran away? दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। ना मुझे लगता है इस बार भी तुम ही टॉप करोगी। इंशाल्लाह। मैंने पेपर्स तो अच्छे दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या होगा। तुम्हारा कौन सा पेपर अच्छा हुआ था? मैथ्स का। समरीन, ये क्या हरकत है? मेरी रोल नंबर लिख दो। अब नहीं मिलेगी ये। मैं अभी जाकर मैडम से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जाओ जाके कर दो शिकायत, जाओ ना। लोगों को तकलीफ देना बंद करो, खुद भी तकलीफ से दूर रहोगी। धमकी दे रही हो? मुझे धमकी दे रही हो? अब बताती हूँ क्या होगा। Hey babe, you look nice. Mom, you know, I have to call Simran. Hold on, Hello दी। हाँ सुनो, जैसे समझाया था वैसे ही करना। पक्का दी? कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? सिर्फ अपनी तकलीफें याद रखो, फिर कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। जो कहा है वही करना। निम्रा, आज अम्मी आ गई हैं तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। तुम भी घर पहुंच के टेक्स्ट कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। और बताओ, मेरी तो क्लास आज बहुत अच्छी रही, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने गरीबों को तो सड़कों पे चलने की तमीज भी नहीं होती। ना तो ये सड़क है और ना तुम्हारे बाप का घर, यहाँ आंखें खोल के चलना पड़ता है। तुम्हारे अलावा और बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनके पेरेंट्स उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि अपना बैंक बैलेंस बताने के लिए। हर सड़क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। बकवास बंद करो अपनी। ऐसा मत, मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दो टके की औकात नहीं तुम लोगों की। सदका और खैरात पे तो कॉलेज की फीसें भरते हो, तो क्या समझते हो खुद को? आसमानों से आए? बस एक लफ्ज और नहीं। पैसे ने जबान क्या दे दी, मुंह में जो जी में आ रहा है बोलती चली जा रही हो। मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसों को। दूसरों को हकीर समझ के खुद गाड़ियों में सफर करके दुनिया को हिकारत की नजर से देखते हो। पता क्या, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तुम जैसे लोग ना अगले बंदे की हैसियत देके उसे हाथ मिलाते। निम्रा ने पैसे वाली दो चार बातें तुमसे कर दी होंगी, तुमने अपना अच्छा मुस्तकबिल देके उसे हाथ मिला दिया है ना। लेकिन तुम्हें क्या पता, उसकी और तुम्हारी औकात में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। वैसे भी मेरे जैसी महलों में रहने वाली हर कोई शहजादी नहीं होती। महलों में नौकरानियां भी रहती हैं। जहर लग रही है ना तुम्हें मेरी बात, है ना?
लगेगी। अफसोस, सुना था कि सुतेले रिश्ते कानों में जहर घोलते हैं, मगर आज देख भी लिया। पता है इंसान बुरा नहीं होता, उसके अमाल उसे बुरा बनाता है। और एक बात तो तुम्हें बता दूं, जिनका जमीन मुतमईन हो ना, उन्हें जहर घोलने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हारी तरह। हटो आगे से, रास्ता तो तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है। चैन, सुनो, अकेली जाओगे? निम्रा को साथ में लेके जाओगे? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। वैसे सच कहते हैं लोग, सामने वाला तब तक ही साथ चलता है जब उसका अपना मतलब होता है। आग लगाना कोई तुमसे सीखे, मगर याद रखना, जिस दिन हवाओं ने रुख बदला ना, तो खाक तुम होगी। लेट्स सी। कब्र तो इंसान की जान ले लेता है, कमाल है निम्रा। बैटरी डायना, पानी दे दो। ये लो बेटे। डायना कहाँ है? मैंने पानी उससे मांगा था, आपसे नहीं। कोई बात नहीं समरीन, कपड़े धो रही है वो, ये लो। हाँ वैसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, पानी आप लाएं या डायना, मेरे लिए तो एक ही बात है। निम्रा नहीं आई? आगे वो रोज मेरे साथ आते। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, उसके लिए कोई गार्ड रख लें जो आपको हर वक्त खबर देता रहे वो कहाँ है कहाँ नहीं। एक ही कॉलेज में पढ़ते हो तुम दोनों, मैंने सोचा निकलते वक्त देखा होगा इसलिए पूछ लिया बेटे। हाँ वो कब कॉलेज जाती है, कब कॉलेज नहीं जाती, कब वहाँ से निकलती है, किससे मिलती किससे नहीं मिलती, आप ये सवाल मुझसे क्यों करते हैं? आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेती कि वो किससे मिलती है? वैसे भी अब तो ख्यालात ही ऊंचे आपकी बेटी के, घर ना आए तब भी मैं जवाब दूं, एडमिट कार्ड गुम हो जाता तब भी मैं ही जवाब दूं। आप दोनों माँ बेटी के तीर मुझ पे क्यों चलते हैं वैसे हमेशा? अब ये मेरे हाथ जुड़े हैं ये देखें, अब मुझसे एडमिट कार्ड का सवाल मत पूछिएगा। इतना ही भरोसा नहीं है ना अपनी बेटी पे, उसको घर बिठा लो, ये रोज रोज की झंझट से बच जाएंगे। भरोसा तो इतना है कि पूरी दुनिया भी गवाही दे दे कि मेरी बेटी के किरदार में खोट है तो मैं नहीं मानूंगी। भरोसे की पट्टी को ना उतार के फेंक दे, यूं यूं मिनटों में भरोसा टूटता है, कहीं मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। बेटे तुम यूनिफॉर्म बदल लो, शहजा भी आने वाली होगी, मैं खाना लगाती हूँ। ओ बस बस, इतने प्यार वाले निवाले मुझे मत बना के खिलाएं, मैं पहले ही बहुत खा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता मेरी सेहत पे इन चीजों की जरूरत, मुझे ना किसी चीज की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड एनीथिंग, सो प्लीज मेरी जान छोड़े। कहां से जिंदगी का पता नहीं दूसरे की। मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। क्या मतलब एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, कहाँ रखा था? सबरीन के पास है और अब वो नहीं दे रही मुझे।
कैमरा कहाँ रह गई है? फोन भी नहीं उठा रही। मुझे परेशान करके तुम इतना रिलैक्स ड्रिंक पी रही हो, तो तुम भी पी लो, किसने मना किया? Since I am serious, मुझे लग रहा है तुम मजाक समझ रहे हो। तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। Hold on, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बारात दरवाजे पे खड़ी है। Listen, you need to relax. तुम अक्सर कंप्लेन करते हो ना कि मैं कभी कभी बहुत बुरी हो जाती हूँ। पता है क्यों हो जाती हूँ? क्योंकि मुझसे मेरी हार बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसलिए रिलैक्स। क्या मतलब, क्या करने वाली हो तुम? जब करूंगी तब देख लेना, खाना ऑर्डर करो। अभी जहां तक मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ ना, उनको अच्छा लड़का मिल गया ना, वो तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, शादी कर देंगे तुम्हारी। लिसन, मैं बोल रही हूँ ना, डैड भी मान जाएंगे और मॉम भी। ऑर्डर प्लीज, आई एम रियली हंग्री। मॉम। हेलो राफे बेटा, कहाँ हैं आप, बता कर नहीं गए? वो मॉम, मैं वो शिदा के साथ था। ओके, ये बताओ कब तक वापस आओगे? पर आधे घंटे में। ठीक है, आते हुए मेरे ज्वेलर के पास से मेरी रिंग पिक कर लीजिएगा। ठीक है मॉम, आप ज्वेलर्स को बता दें। ओके, मैं कर दूंगी। अल्लाह हाफिज। ज्वेलर्स? मदर इन लॉ शॉपिंग कर रही है मेरे लिए? तो मैं बताया, तुम्हारी ज्वेलरी दुबई से आई है। चलो फिर देखते हैं कि ये दुबई की ज्वेलरी ज्यादा अच्छी है या उनका बेटा। प्लीज ऑर्डर। धमकी दे रही हो? मुझे धमकी दे रही हो? अब बताती हूँ क्या होगा। Okay, let's play your favorites. That's cool. Hello, Dad. हाँ शिदा बेटा। जरा अपनी मॉम से बात कराओ, वो अपना फोन रिसीव नहीं कर। मॉम ने तो मुझे शॉपिंग के लिए भेजा है, कह रही थी अपनी जरूरत की चीजें ले आओ जो भी तुम्हें चाहिए। तो किसके साथ हो बेटा? सारा के साथ। हो गई तुम्हारी शॉपिंग या बाकी भी? जी। ठीक है बेटा, जल्दी घर जाओ, ज्यादा बाहर नहीं रहना, हालात ठीक नहीं है। मैं बच्चों के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। Sure, Dad. Okay. All good? इनका तिनका करके डैड को हमारे खिलाफ कर रही है। I swear, मॉम को कभी उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। चलें? Yeah, let's go. I was about to play your favorite song. Yeah, please do. ठीक है मिसेस सलीम, मैं शिजा की तस्वीर आपको अभी भेजती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये वाली ठीक है। क्या मुसीबत है शिजा बेटे। ये मिसेस सलीम को मैं तुम्हारी तस्वीर भेजना चाह रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा, भेज दो जरा। ये देखो ये वाली। आपका इंटरनेट लैग कर रहा है शाहिद, मैं अपना हॉटस्पॉट शेयर करके भेज देती हूँ। आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग। किचन में कुछ रखा तो नहीं हुआ? ओह भूल गई मैं।
पता नहीं मेरी बेटी किस परेशानी में होगी। मुसीबत भी तो खुद ही बुलाई हुई है। आपके पैरों के नीचे से क्यों जमीन निकली हुई है? अब तो छत भी छिनने वाली है। इनकी बेटी साहिबा अभी तक घर वापस नहीं आई कॉलेज से। अभी तक घर वापस नहीं आई? आपने कॉल क्यों नहीं की उसे? कर रही हूँ बेटे, फोन बंद जा रहा है। फोन भी ऑफ कर दिया। बहुत हिम्मत है, दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल आप पे गई है। नजरें क्यों नहीं रखती हैं आप उस पे? हम पे तो हर वक्त रखी हुई होती हैं। या फिर कहीं जानबूझ के आंखें बंद कर लेती हैं ताकि जो जी में आए उसके वो करती फिरे। मुझे तो लगता है वो डेट पे गई है या फिर कहीं भाग भाग तो नहीं गई। You mean to say she ran away? Yes. खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ऐसा कभी नहीं कर सकती। मॉम, बेटियां किसी की भी ऐसी नहीं होती। क्या मैं ऐसी हूं? समरीन ऐसी है? नहीं ना। लेकिन कभी कभी इंसान की मजबूरियां हो जाती हैं। अब पता नहीं उसकी क्या मजबूरी हो। आपने अपनी ज्वेलरी चेक की कहीं वो लेके? मेरे दुखों का मदावा नहीं कर सकते तुम दोनों, तो इजाफा भी मत करो। नहीं मान सकती मैं तुम दोनों की बात। मेरा दिल कह रहा है कुछ हुआ है, मेरी बेटी किसी परेशानी में है, किसी मुसीबत में फंस गई है। वो मुसीबत में तो घर वालों को याद किया जाता है ना। आपको कॉल आई? नहीं ना, तो फिर इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, चिल कर, खुद ही घर वापस आ जाए। समरीन बेटी, तुम ऐसा करो, अपनी प्रिंसिपल को कॉल कर दो, शायद उन्हें पता हो कि निमरा कहाँ है। कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होती तो कॉल आ जाती। हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, इसका क्या मतलब है मैडम हर एक को घर छोड़ने जाएंगी? और मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता कॉलेज के बाद लड़की किसी लड़के के साथ जाए या अकेली। तो प्लीज सुकून कर। मॉम, मैंने हर जगह कॉल करके पता कर लिया, निमरा का कुछ पता नहीं चल रहा। व्हाट? कहाँ है निमरा? कहाँ है निमरा? अरे मैं पूछ रहा हूँ, कुछ कहाँ है निमरा? डैड, निमरा कॉलेज से वापस नहीं आई अभी तक। और समरीन बता रही थी कि उसने निकलते वक्त देखा था। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े सजा बैठा। मैं आप ही से बात कर रही हूँ। मैम कहाँ है? बासित, बासित, बासित। जी भाभी। क्या हो गया है? ऑफिस से भी जल्दी घर आ गए हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी भाभी, तबीयत तो ठीक है मेरी। अच्छा, वो मुझे ना कुछ काम था तुमसे। क्या काम भाभी? अब था तो, लेकिन पता नहीं तुम्हें बुराई ना लग जाए। मैंने आपका कोई काम, कोई बात बुरी लगी मुझे, आप बताएं। वो ऊपर वाला ना पोर्शन खाली कराने। क्यों? अरे भाई, पैसे वैसे तो है नहीं कि तुम्हारे भाई का कोई कारोबार शुरू हो। यहाँ से चंद रुपए आएंगे तो कोई काम ही शुरू कर लेंगे वो। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पहले बात तो सुन ले भाभी। ऊपर वाला पोर्शन नहीं बिकेगा, सुन लो। तुम तो चुप करो, कुछ पता है घर का खर्चा कैसे चलता है? भाई अल्लाह, कसम से कैसे जोड़ तोड़ के महीना पूरा करती हूँ। यकीन करो, खुद नहीं खाती, तुम दोनों को खिलाती हूँ मैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। इस घर में तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी है, जो तुम चाहती हो वही करती हो। मेरी तो जैसे तुम्हें सारी चाहते ही पूरी कर दी ना, है ना?
अब कल को उसकी शादी होगी, बीवी ले आएगा घर में, फिर कौन हमारी जरूरतें पूरी करेगा? भाभी मेरी तरफ देखिए, इस घर में मेरी शादी होने के बाद, मेरी बीवी भी आने के बाद, आपकी कोई ख्वाहिश कोई खर्चा कम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अरे वासिफ, तुम किस किस का घर भरोगे? मेरा, खाला का, अपना। शौहर जो कमा कर लाता है उससे तो तुम्हारा गुजारा होता नहीं है ना? शुक्र अदा करो ऐसा देवर मिला है जो हर वक्त तुम्हारे इशारों पर नाचता रहता है। ना शुक्री ना, इस घर में मैं ही हूँ। नहीं, मैं बुरी हूँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम दोनों अच्छे हो। सुनो, इसकी बात का बुरा नहीं मना रहा, ये खुद ठीक हो जाएगी। मैं जरा सुनो, इधर आओ। पता नहीं क्या जवाब देंगे आप डैड के सवालों का, हजार सवाल होंगे उनके पास करने के लिए, लेकिन आपके पास उनके सवालों का एक जवाब भी नहीं होगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। या अल्लाह तू रहीम, मैं तू करीम, रहम करते हम। हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लिया जाए उतना अच्छा होता। मान ले कि भाग गई आपकी बेटी किसी के साथ, खुदा का वास्ता समीन चुप हो जाओ, मुझ पर रहम करो तुम। हमें तो चुप करवा लेंगी आप, लेकिन दुनिया वालों का मुंह कैसे बंद करेंगी? एक स्लाइड चलने की देर है न्यूज में और धज्जियां उड़ गई हमारी इज्जत की। चील कबों की तरह ये दुनिया खा जाएगी हमें, तब क्या करेंगी आप? क्या बदतमीजी है। कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? मुझे आवाज नहीं आई। वो तो मैं देख रहा हूँ, आवाज नहीं है। क्या बात है, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? खैर छोड़ो, आओ चाय पियो। मुझे नहीं पीनी सर। पी लो, झूठी नहीं है। खाला का क्यों, हाथ मांगने आए हो? राबिया मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकाल दोगी तो। कैसे निकाल दूं? मालूम है किसी लड़की का दिल तोड़ना शीशा तोड़ने के बराबर होता है, एक बार अगर टूट जाए ना तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता। ठीक है, फिर एक काम, इस घर के सारे शीशे तोड़, दोबारा जोड़, अगर जुड़ जाते हैं तो मुझे बताना, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन तब तक ऐसी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, अब बताओगी खाला कहाँ है? मुझे काम है उनसे बहुत जरूरी। खुद ही पता कर लो। अच्छा वो आए तो उन्हें मेरा मैसेज दे देना कि मैं आया था। मैं क्यों मैसेज दूं, खुद पता करो। किस बात की नफरत इसको यार? राबिया, राबिया के पास होगी निम्रा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? निम्रा तुम्हारे पास है? नहीं तो, मेरे घर तो नहीं है आंटी, वो अभी तक घर नहीं पहुंची। बेटे उसको ढूंढो, वो घर नहीं आई है, मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। मैंने उसे कहा था कि मैसेज कर दे, आपने फोन किया उसे? मेरे दोस्तों मैं पता करूं, मैं तो मर जाऊंगी अपनी बच्ची के बगैर, कुछ करो बेटे। पैसे थे उसके पास? हाँ, मैंने आज सुबह उसे 500 रुपए दिए थे, कुछ करो बेटे, जल्दी करो। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ। इंतजार कर रही हूँ बेटे, जल्दी करो। इंतजार कर रही हैं आप? अब सिर्फ डैड के आने का इंतजार करें और सोचें कि क्या जवाब देना है उन्हें। या अल्लाह मेरी बच्ची।
राबिया, राबिया मैं कॉलेज में हूँ। हेलो निम्रा, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, मुसीबत है यार। थोड़ी है जावेद साहब, बस ना आप कोई अच्छे से किराएदार ढूंढो। पूरे 5,000 ज्यादा लूंगी इस बार, कर दो जल्दी से। आए है, कौन सी आफत आ गई है? भाभी वासित कहाँ है? जल्दी बताएं वासित कहाँ है? अंदर ही होगा, हुआ क्या है बताती तो जाओ। मुंह उठाया और चल दी अंदर। कसम से मैंने ये किया होता ना, मेरी माँ ने टांगे तोड़ देनी होती मेरी। पता नहीं कौन सा मजबूरी का रोना रोएगी वासित के सामने, छुड़ैल कहीं की। वासित बासित, मेरे साथ चलो। क्या हो? वो मेरी दोस्त, ये सब छोड़ो अभी, वक्त सवाल जवाब का नहीं है यार, चलो। बासित कहाँ जल्दी है? जी भाभी मैं बस 2 मिनट। बता के तो जाओ। भाभी जरूरी काम। अरे जा कहाँ? मैं बस आया। अरे सुन तो लो। आया आया। हाय अल्लाह। अगर निम्रा के बारे में पूछ लिया तो क्या कहूंगी? या अल्लाह क्या करूं मैं? हेलो डैड। हेलो। सलाम अलैकुम। ये शिजा को तुमने शॉपिंग पे जाने की इजाजत दी थी, जबकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कॉलेज जाने के अलावा जहां कहीं भी जाएंगी मेरी इजाजत के बगैर नहीं जाएंगी। तुम मां हो उनकी, साथ भी जा सकती थी। जी क्या? जी तुम्हारे नजदीक मेरी किसी बात की कोई अहमियत है भी या नहीं? जी अब के बाद अगर ऐसी कोई गलती तुमने की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर के बाहर मेला लगता है, सड़कों पे भेड़िए घूमते हैं, नजरें गाड़ देते हैं। मैं अपनी बेटियों को कोई नुकसान होना ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी मैडम, आप प्लीज जैसे ही आपको कुछ पता चले आप कॉल कर लीजिएगा हमें। मैं वेट कर रही हूं, बहुत परेशान है। ओके थैंक यू मॉम, मैंने हर जगह कॉल करके पता कर लिया, निम्रा का कुछ पता नहीं चल रहा। व्हाट? कहाँ है निम्रा? कहाँ है निम्रा? अरे मैं पूछ रहा हूँ कुछ, कहाँ है निम्रा? डैड निम्रा कॉलेज से वापस नहीं आई अभी तक, और समरीन बता रही थी कि उसने निकलते वक्त देखा था। यहां ये सब कुछ चल रहा है? तुम्हारी अपनी बेटी है और तुम्हें मालूम नहीं है कहां है वो? तुम्हारी नाक के नीचे वो एक घिनौना खेल खेल रही है? इंसान गुनाह तो नहीं छुपा सकता ना, तो फिर और मुझे पता है कि मेरी बेटी मेरी रुसवाई का सबब कभी भी नहीं बन सकती। मां फिलहाल तो ये दुआ करो कि उसका ये गुनाह छुप ही जाए, क्योंकि अगर मैं इतना सभी दुनिया के सामने जलील हुआ ना, या मेहमानों के सामने ये जिक्र दिया, तो ये मेरा वादा है कि इस घर में तुम्हें तो मैं रहने नहीं दूंगा। तो फिर ऐसा मत कहिए, मैं आती होगी अभी बस, आके अपनी बेगुनाही साबित भी कर देगी, मुझे यकीन है इस बात का। निम्रा के सिवा इस घर में 2 जवान बच्चियां और भी रहती हैं, और उसकी इस हरकत की वजह से इनका मुस्तकबिल तबाह हो सकता है, जानती हो ये बात? खुदा करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो उसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो। लगाओ इसकी दोस्त को फोन, मैं बात करता हूं।
रुको 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 रुको। कॉलेज कॉलेज क्यों आए? मेरी दोस्त अंदर है। छुट्टी कब की हो गई? कॉलेज क्यों लेकर आई? पास में तुम्हें हेल्प के लिए साथ लेकर आई हूँ, सवाल जवाब के लिए नहीं। अब चलो। दरवाजा खोली। बाबा कोई है? कोई भी नहीं है। कब का बंद हो गया कॉलेज? कूद जाओ ना। क्या यार बासे, कोई भी नहीं है, सब बातों को टाइमिंग जम करो। प्लीज जम आराम से। ऐसा तो भाई क्या हो रहा है सब? बाबा मुझे अंदर जाना है। बीबी सुबह 9 से 2 बजे तक का टाइम है कॉलेज का। क्या है अभी? कल बाबा मेरी दोस्त अंदर है, हमें जाने दें। मैंने कहा ना अंदर कोई भी नहीं है, आप प्लीज जाएं अभी। आपको आपकी बेटी का वास्ता, प्लीज जाने दें अंदर। रिलैक्स निमरा, मुझे मालूम है ये सब किसने किया है। अभी हमें घर जाना है, तुम्हारी मामा बहुत परेशान हो रही होंगी। पता नहीं वो घर वालों को कैसे फेस करेंगी। चलो आप दोनों बाहर आ जाए, मैं रिक्शा ले आऊं। चलो जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा ये मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा। ज्यादा परेशान हो गई थी, कहाँ चली गई थी? आओ कहाँ थे तुम? मैं पूछ रहा हूं कहाँ थे तुम? अंकल शट अप, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, इससे पूछ रहा हूं इतनी आजादी तुम्हें किसने दे दी है कि जो तुम्हारे मन में आएगा करती फिरोगी? बोलो। दरवाजा बाहर से बंद कर दे। बहाने देख रहे हैं? तुम शोर नहीं कर सकती थी, किसी को अपनी मदद के लिए नहीं बुला सकती थी, फोन तुम्हारे पास नहीं था कि तुम घर फोन करके बता देती? मैं चीखी थी, चिल्ला गई थी, मैंने सब सबरीन को देखा था, उसको बोला था, रोका था, पर उसने सुना नहीं। झूठ बोलिए डैडी, इसने मुझे कोई आवाज नहीं दी थी, बल्कि मॉम के कहने पर मैंने मैडम को कॉल भी की थी, लेकिन मैडम ने हर तरफ चेक करवाई, वहां पे नहीं थी, ये पता नहीं कहां गई हुई थी। तोड़ दिया ना, तोड़ दिया मेरा भरोसा तुमने। अबू मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करे, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था, शरारत किया मेरे साथ। डैड ये राबिया निमरा की दोस्त है, निमरा को पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाती है, बल्कि इसने एक दो दफा मुझे भी जाने को कहा था, मैंने इसको मना कर दिया, पता नहीं इसको किस चीज का लालच है। झूठ क्यों बोल रही हो समरीन? तुम सच बताती हो या मैं बताऊं? अंकल वो मेरे घर में खड़े होके मेरे ही सामने मेरी बेटियों से कुछ तरह बात करे, उसकी इजाजत नहीं दे सकता मैं। तो मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि इस घर में पहली बार आई हो तुम,
और गालिबन आखिरी बार भी। गेट आउट, निकलो यहां से। देखा देखा आपने कैसे मुझे आंखें दिखा के गई है। कल को ये कोई भी इल्जाम मुझ पे लगा सकती है। डैड मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। जानता हूं मैं, मेरी आंखों को पहचान है कौन अच्छा है कौन बुरा, कौन सच्चा है कौन झूठा, ये जानता हूं मैं। डैड आई थिंक आपको निम्रा और राबिया की दोस्ती अलाउ ही नहीं करनी चाहिए। शी इज बैड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस? इनकी पढ़ाई बंद आज से, कॉलेज नहीं जाएगी ये। अब्बू प्लीज जुल्म नहीं करें। कह दिया ना मैंने, जाओ यहां से। तुम कहां जा रही हो? वो निम्रा। क्या निम, क्या निम निम निम्रा? हाँ, जो हुआ ठीक हुआ उसके साथ। मेहमान आने वाले हैं, जाके उनकी तैयारी करो, छोड़ो उसको। निम्रा, कभी कभी बुराई से बचने के लिए बुराई का ही सहारा लेना पड़ता है। अब तो समझ जाए कि सब में आप ही की बेटी को नुकसान है। बुरा वक्त है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। The countdown begins. दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा ए मेरा मेरा रो।